हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में वेक्टर स्पेस के बारे में बताऊंगा, वेक्टर स्पेस को डिफाइन करूंगा, साथ में उसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने के पहले मैं आप सभी को इस चैनल के बारे में बता दूँ, इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के पहले मैं यहाँ पर थोड़ा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब ग्रुप पढ़ चुके हैं, रिंग पढ़ चुके हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिटेल से जानना है तो ऊपर आ रहे हैं आई बटन को प्रेस करके वो उस वीडियो पर जा सकते हैं जहाँ पर मैं बाइनरी ऑपरेशन को डिटेल से बताया हूँ। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन बता दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं वेक्टर स्पेस को डिफाइन करूँगा। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है इसके बारे में समझिए। ए सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है। अब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ही करना है, ये एक सेट बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर ए क्रॉस ए से ए में एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे। ए क्रॉस ए से एफ ए में एक कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। एफ एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड हो रहा है, तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। ए सेट में ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, इस फंक्शन को ए कहेंगे। अब जरा समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं एलिमेंट है ए बी, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट का, सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वो सेकेंड सेट का, तो ए भी सेट ए का और बी भी सेट ए का, मतलब ए और बी दोनों सेट ए का मेंबर होगा। अब इसका इमेज मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है सी। हम लोग सपोज करते हैं कि एफ ऑफ ए बी, ये जो ए कॉमा बी है इसमें अगर हम लोग एफ फंक्शन लगा रहे हैं तो इसका इमेज सी आ रहा है, और सी किसका मेंबर है, ए का। सी तो ए का मेंबर ही होगा, और साथ में ये जो सी आएगा वो यूनिक होना चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइंड होता है। अगर ये यूनिक नहीं हो, इसका दो इमेज आ जाए तो फंक्शन इंडिफाइंड नहीं होगा, तो इसका जो भी इमेज आएगा वो तो यूनिक होता है। अब जरा देखिए, मैं बता रहा था कि इसी फंक्शन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। तो यहाँ पर एफ जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, इस तरीके से नहीं लिख करके क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एफ लिखते हैं। ए और ए बी में अगर एफ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो ये सी आया, और सी है ए का मेंबर और साथ में ये यूनिक है। अब हम लोग एफ से भी डिनोट नहीं करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं। कोई भी सिंबल हो सकता है, एडिशन से डिनोट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन से डिनोट कर सकते हैं, ओ से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके के सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके के सिंबल से, कई सिंबल हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करने का। तो ए और बी के बीच में अगर हम लोग ये स्टार लगाएं, एफ के बदले लिख रहे हैं, ये एक्चुअली एफ जो है वो फंक्शन है, फंक्शन को ही बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन एफ के बदले स्टार लिख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन को, ये सभी सिंबल से या स्टार से डिनोट करते हैं। तो ए स्टार बी इक्वल टू सी हो गया, और सी जो है वो ए का मेंबर है, और साथ में क्या है, ये सी जो है वो यूनिक भी है। ये जो इसका वैल्यू आएगा वो यूनिक वैल्यू आना चाहिए। तो अब जरा समझिए बाइनरी ऑपरेशन है क्या, जो मैं फंक्शन के रूप में डिफाइंड किया हूँ उसको आप छोड़ दीजिए। अब बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से आप याद रखिए, समझने में आसानी होगा कि एक सेट लेंगे ए, ए कोई भी सेट ले रहे हैं, और इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट ले ले, कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, और उसके बीच में एक सिंबल लगाते हैं, और इसका जो रिजल्ट आएगा ऐसा डिफाइंड करेंगे यहाँ पर कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो उसी का मेंबर होना चाहिए, ए का ही मेंबर होना चाहिए, और साथ में वो यूनिक वैल्यू आना चाहिए, तब हम लोग कहते हैं इस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं, तो नेचुरल नंबर के सेट में एक कंपोजिशन डिफाइंड करते हैं, बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं या बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, ऑर्डिनरी एडिशन डिफाइन करते हैं। क्या कर रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, यहाँ पर कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं सेवन मैं ले रहा हूँ, एट ले रहा हूँ, उसके बीच में इसको लगा देता हूँ, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 15 आएगा, एक यूनिक वैल्यू आएगा। ऐसा तो नहीं है कि सेवन और एट को ऑर्डिनरी सम करेंगे तो एक से अधिक वैल्यू आ जाएगा, एक यूनिक वैल्यू आ रहा है और वो भी एन का ही मेम्बर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एन। ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। मान लीजिए अगर इसका दो एलिमेंट लेते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और उसके बीच में एक स्टार लगाते हैं, और ए स्टार बी को ऐसा डिफाइन करते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम जो है
वो इसका वैल्यू आएगा। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर का अगर हम लोग एलसीएम लगाएं निकालेंगे तो वो एलसीएम तो यूनिक होगा और साथ में वो इसी एन का ही मेंबर होगा, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि वेक्टर स्पेस में दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन का यूज किया जाता है। अब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये जरा देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर एक हम लोग सेट लेते हैं ए, यहाँ पर देखिए मैं एक सेट ले रहा हूँ ए और इसका कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो यूनिक होना चाहिए और इसी का मेंबर होना चाहिए। अगर इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया गया तो इसको कहेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। मतलब इंटरनल का मतलब ए के अंदर का ही हम लोग दो एलिमेंट लेकर के उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो ए के अंदर ही होगा, इसी सेट के अंदर होगा, तो ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है। एक एक्सटर्नल भी होता है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन फिलहाल इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझ लीजिए। देखिए इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि लेट ए बी, कैपिटल ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए का कोई भी दो एलिमेंट ए स्मॉल बी ले रहा हूँ और इसके बीच में अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका रिजल्ट ए के अंदर होना चाहिए एंड ए स्टार बी इज यूनिक, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो यूनिक होना चाहिए, देन स्टार इज सेट टू बी एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ए, तो इस स्टार को कहेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। यहाँ पर ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो गया, लेकिन एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा लेकिन पहले आप समझ लीजिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है क्या। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेट एफ ले रहे हैं और एक सेट हम लोग यहाँ पर वी ले रहे हैं, दोनों नॉन यूनिटरी सेट है, एक एफ और दूसरा वी। अब क्या करते हैं, यहाँ का एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं, इस एलिमेंट को मान लेते हैं स्मॉल वी से डिनोट कर रहा हूँ, इस एलिमेंट इस सेट का एक एलिमेंट हम लोग स्मॉल वी ले रहे हैं, इस सेट का एक एलिमेंट ए ले रहे हैं। यहाँ पर दो अलग अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, एक एलिमेंट यहाँ से चूज करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से चूज करते हैं और दोनों के बीच में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं दोनों के बीच में, वो इसका मेंबर होना चाहिए, तब इस बाइनरी ऑपरेशन को कहेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। फिर से एक बार जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग सिंबल लगा रहे हैं, दो एलिमेंट के बीच में जब सिंबल लगाते हैं, तो पहले तो मैं बताया था कि दोनों एक ही सेट का मेंबर होना चाहिए इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में, लेकिन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक दो सेट अलग अलग लेंगे, दोनों डिफरेंट सेट है, यहाँ से एक एलिमेंट चूज करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसके बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो उसका जो वी वैल्यू होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए और वो इसी का मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस बाइनरी ऑपरेशन को एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। मैं अभी जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया था वहाँ पर एफ ए क्रॉस ए से ए में ही डिफाइंड हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, एफ जो है वो कैपिटल एफ क्रॉस भी से भी में डिफाइंड होगा। क्या करना है, एक एफ का मेंबर लेना है, एक भी का मेंबर लेना है और वो दोनों में जब एफ इमेज लगाएंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी में होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया गया तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब जरा समझिए, मैं एक एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो मैं जो नेचुरल नंबर के सेट में बताया हूँ, नेचुरल नंबर का सेट अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं और ए स्टार बी का मतलब अगर एलसीएम ही मैं मान लेता हूँ कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो ये हो गया इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई भी दो मेंबर ले लेते हैं इसी सेट का ले रहे हैं और उसके बीच में हम लोग जब स्टार लगा रहे हैं तो उसका वैल्यू एलसीएम आ रहा है ए बी का, तो एलसीएम जब दो नेचुरल नंबर का निकालेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा, इसी का वैल्यू आएगा, वो यूनिक वैल्यू आता है, एक किसी भी दो एलिमेंट का दो नेचुरल नंबर का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जरूर यूनिक होता है। तो ये हो गया इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन आप ऐसा करते हैं, जरा देखिए, मैं मानता हूँ यहाँ पर एक सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है
और यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स का सेट बनाते हैं। कैसा मैट्रिक्स? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ए बी सी डी, जहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का मेंबर है। ये सभी रियल नंबर है, ये चारों नंबर रियल नंबर है। तो ये 2x2 ऑर्डर का जितना भी मैट्रिक्स बनेगा वो सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन है, और ये आर क्या है? रियल नंबर। अब यहाँ से आप एक एलिमेंट लीजिए और यहाँ से एक एलिमेंट लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर रियल नंबर 2 ले लेता हूँ, यहाँ से एक लेना है एलिमेंट, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 3205। अब ये दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, तो एक नंबर से एक मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, वो काम आप कर लीजिए। दोनों को बाइनरी ऑपरेशन जो लगाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक जो मैट्रिक्स इस सेट से हम लोग एक मेंबर लिए हैं और एक इस सेट से मेंबर लिए हुए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर से एक मैट्रिक्स को। कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है ये आपको पता होगा, ये 3 2 6 4 0 10 हो जाएगा, ये भी एक मैट्रिक्स मिल गया। क्या ये एम का मेंबर हो गया और साथ में ये यूनिक भी है? तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये दोनों के बीच में, इस बाइनरी ऑपरेशन को कहेंगे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। क्यों एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन? हम लोग दो डिफरेंट सेट का मेंबर लिए हैं, एक तो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर से एक चूज किए हैं एलिमेंट, एक हम लोग यहाँ से चूज किए हुए हैं, और दोनों के बीच में हम लोग ये बाइनरी ऑपरेशन लगाए जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसको हम लोग काम किए हैं। तो जो रिजल्ट आया वो इसका मेंबर हो गया और ये यूनिक भी आया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ये दो अलग अलग सेट से मेंबर आता है और ये किसी भी एलिमेंट के लिए हो जाएगा। यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं और उसके बीच में अगर इस तरीके का बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो ज़रूर वो इसी का मेंबर होगा। तो ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हो गया। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन का, उसके बाद फिर मैं वेक्टर स्पेस को डिफाइन करूँगा। तो देखिए एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। लेट वी, कैपिटल वी एंड कैपिटल एफ बी टू नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं। इफ ए स्टार अल्फा, जहाँ ए एफ का मेंबर लेना है और अल्फा जो है वो वी का मेंबर है, ये दोनों का जब कंपोजिशन लगाएंगे, दोनों के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो कैपिटल वी का मेंबर होना चाहिए। जहाँ देख रहे हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ के लिए हो जाए और कुछ के लिए नहीं हो, सभी के लिए होना चाहिए। ए क्या है? एफ का मेंबर है, और वी अल्फा क्या है? वी का मेंबर है। मतलब इसका एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पर रखें, इसका एक एलिमेंट यहाँ रखें, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं और उसका कंपोजिशन जो है वो वी के अंदर होना चाहिए। एंड ए स्टार अल्फा इज यूनिक, और ये जो वैल्यू आएगा वो यूनिक होना चाहिए। देन स्टार इज सेट टू बी एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर एफ, मतलब ये स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी। क्यों इन वी? जरा समझिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वी एक ले रहे थे और यहाँ पर एक एफ ले रहे थे, तो एफ का हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट लिए हैं अल्फा, और इसका बाहर से एक एलिमेंट लाए हैं और दोनों के बीच लगाए हैं कंपोजिशन, और उसका वैल्यू इसी का मेंबर आ रहा है। तो इसी का आ रहा है मेंबर, लेकिन इसको हम लोग इसके जो एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इसके इस एलिमेंट में जो कंपोजिशन कर रहे हैं वो कौन सा एलिमेंट, इसके बाहर से ला करके, तो इसके बाहर से ला करके कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर एफ। यहाँ पर वी में ही अगर आ रहा है तो इन वी ओवर एफ, जो बाहर से ला रहे हैं उसको ओवर एफ कहेंगे, और ये इन वी मतलब अगर इसी के अंदर आ रहा है तो इसको कहेंगे स्टार इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर एफ। अब चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस को। वेक्टर स्पेस जो है उसमें ये दोनों कंपोजिशन का जरूरत पड़ता है। जैसे आप रिंग को डिफाइन करते थे तो रिंग के लिए दोनों इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता था, एक को एडिशन से डिनोट करते थे, एक को मल्टीप्लिकेशन से। ग्रुप आप डिफाइन करते थे तो ग्रुप में भी एक ही कंपोजिशन होता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक एक्सटर्नल होगा और एक इंटरनल होगा। क्या करेंगे हम लोग वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, एक सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट भी लेंगे और यहाँ पर एक दूसरा जो है वो फील्ड लेंगे। एफ जो है वो फील्ड है, फील्ड क्या है रिंग में आप पढ़ चुके हैं, फील्ड में कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होता है रिंग में, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये एफ जो है वो फील्ड है और वी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पर एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर लिखेंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को एडिशन से डिनोट करेंगे और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन लेंगे डॉट से डिनोट करेंगे इसको। तो भी में दो बाइनरी ऑपरेशन, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा। ये जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होगा इन वी ओवर एफ, यहाँ पर एफ फील्ड है,
अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे वेक्टर स्पेस। इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसमें हम लोग एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। यहाँ एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, और जो डॉट है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा, तो वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कहेंगे, अगर कुछ वहाँ पर कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। जैसे ग्रुप कहलाने के लिए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेते थे, वहाँ पर एक एडिशन से या हम लोग मल्टीप्लीकेशन से या स्टार से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन को। अब इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते थे जब वहाँ पर चार कंडीशन सेटिस्फाई हो, जो आप लोग ग्रुप में पढ़े होंगे, रिंग में भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होता है, फील्ड में भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये दो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, तब हम लोग कहेंगे उसको वेक्टर स्पेस। और कौन सा कंडीशन होता है, चलिए मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखता हूँ पहले। अब देखिए वेक्टर स्पेस को कैसे डिफाइन किया गया है। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, एक तो हम लोग कोई भी फील्ड ले लेंगे और एक साथ में एक नॉन एम्प्टी सेट और लेंगे वी। अब ये फील्ड जब है तो फील्ड में दो बाइनरी ऑपरेशन होगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। फील्ड के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, फील्ड जो होता है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, जिसका प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं वही लिखा हूँ कि लेट ए प्लस डॉट बी ए फील्ड, ये फील्ड का दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन से डिनोट किया जा रहा है और मल्टीप्लीकेशन से। अब एक दूसरा सेट हम लोग ले रहे हैं भी, भी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, देन ये नॉन एम्प्टी सेट भी टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन कॉल्ड वेक्टर एडिशन इंटरनल कंपोजिशन इन वी एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी ओवर एफ। अब जरा समझिए, ये जो भी हम लोग सेट यहाँ पर ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पर भी दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक को एडिशन से डिनोट कर रहे हैं, ये इंटरनल कंपोजिशन है जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वी जो सेट ले रहे हैं उसमें एक इंटरनल कंपोजिशन प्लस से डिनोट कर रहे हैं, और एक डॉट जो है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है, इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन, इस प्लस को कहेंगे वेक्टर एडिशन और इसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर भी हम लोग इस सेट में दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो उसी के बारे में लिखा हुआ आप देखिए कि देन ये नॉन एम्प्टी सेट भी टूगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन भी में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कॉल्ड वेक्टर एडिशन, एक को तो वेक्टर एडिशन कर रहे हैं प्लस से डिनोट कर रहे हैं, ये इंटरनल कंपोजिशन इन भी है, और दूसरा कहला रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन जिसको डॉट से डिनोट कर रहे हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन इन भी ओवर एफ। अब देखिए तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट हम लोग वी ले रहे हैं उसी को कहते हैं इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। किसको वेक्टर स्पेस कहेंगे, जरा समझिए, ये जो हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं उसी को वेक्टर स्पेस कहेंगे जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं ओवर द फील्ड इफ, ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड इफ, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कुछ कंडीशन मैं यहां पर लिखा हूं, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे, तो अभी तक मैं क्या बताया हूं, अभी तक जो मैं बता रहा था उसमें सबसे पहले तो एक फील्ड लेना है और फील्ड में दो बाइनरी ऑपरेशन होगा, एक वी भी हम लोग को नॉन एम्प्टी सेट लेना, यहां पर भी दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, एक इंटरनल होगा जिसको प्लस से डिनोट करेंगे इसको वेक्टर एडिशन कहेंगे, और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होगा ये ओवर एफ में, भी में ये डिफाइंड होगा एक्सटर्नल और ओवर एफ, मतलब बाहर से जो एलिमेंट लेना है वो एफ का लेना है, इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहेंगे। अब इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर स्पेस, इसी सेट भी को कहेंगे हम लोग वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन कौन सा कंडीशन है जरा देखिए, भी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, सबसे पहला तो ये होना चाहिए, ये जो सेट है जिसमें इंटरनल कंपोजिशन प्लस डिफाइंड किए हैं, तो ये जो है भी और प्लस एक अबेलियन ग्रुप बन जाए। अब अबेलियन ग्रुप के लिए तो आप लोग जानते हैं कि फाइव कंडीशंस होता है, तो वो फाइव कंडीशंस इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज कौन कौन सा कंडीशन, सबसे पहला तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी, भी का अगर कोई भी मेंबर अगर अल्फा बीटा ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू भी, ये तो खैर ऐसे बाइनरी ऑपरेशन रहेगा तब तो निश्चित रूप से ये डिफाइंड होगा ही, सेटिस्फाई होगा ही, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन ही कहता है कि अल्फा बीटा अगर भी का मेंबर है तो उसका अल्फा और बीटा में अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे तो वो भी का मेंबर होता है और साथ में यूनिक होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कंडीशन के रूप में इसको लिखेंगे
ताकि जब भी कोई एग्जाम्पल में इसको प्रूफ करना हो तो इसको भी हम लोग दिखा देंगे। तो सबसे पहला क्लोज्ड होना चाहिए भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज्ड होना चाहिए। इसका कोई भी अगर दो मेंबर लेते हैं तो उसका सम भी वेक्टर एडिशन जो होगा वो भी का ही मेंबर होना चाहिए। दूसरा अबेलियन ग्रुप के लिए कंडीशन था कम्यूटेटिविटी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू भी। तीसरा एसोसिएटिविटी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर बीटा गामा को एक ब्रैकेट में या अल्फा बीटा को एक ब्रैकेट में, दोनों इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू भी। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग अबेलियन ग्रुप दिखा रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो, यहाँ पर जीरो को थोड़ा बोल्ड करके रखा गया, बोल्ड करके हम लोग लिखते हैं जीरो। क्यों बोल्ड करके लिखते हैं जरा समझिए, ये जो यहाँ पर ये फील्ड है इस फील्ड में भी तो एक जीरो है। फील्ड क्या होता है, फील्ड तो एक रिंग होता है, तो रिंग में तो जीरो एलिमेंट होता ही है, तो ये जो फील्ड है तो यहाँ पर भी जीरो एलिमेंट होगा और इसमें भी जीरो एलिमेंट होगा। तो ये जो जीरो होगा और यहाँ जो फील्ड में जीरो है, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए इसका जो जीरो होगा उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम लोग, और इसका जीरो को हम लोग सिंपल जैसे जीरो लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन ये भी का जो जीरो एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोल्ड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भी में एक जीरो भी मिलना चाहिए, भी प्लस को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए तो अबेलियन ग्रुप के लिए एक जीरो एलिमेंट भी मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू भी सच दैट, ऐसा मिलना चाहिए ताकि अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी। भी का कोई भी मेंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को ऐड कर दें तो वही एलिमेंट आ जाए, आना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन हो गया, और इसको कहते हैं द एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू भी विल बी कॉल्ड द जीरो वेक्टर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे बाद में। तो सबसे पहला एक चार कंडीशन तो हो गया, एक और कंडीशन कौन बचा हुआ है अबेलियन ग्रुप के लिए, एक एडिटिव इनवर्स बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि फॉर ईच वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू भी, भी का कोई भी अगर हम लोग मेंबर ले लेते हैं अल्फा, देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू भी सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा में माइनस अल्फा ऐड करने पर जीरो आना चाहिए, तो माइनस अल्फा को हम लोग कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा। तो ये पांच कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देता है तो भी प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये होना चाहिए कि भी में एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। फाइव कंडीशन हो गया, इसको याद रखिएगा, कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि भी प्लस अबेलियन ग्रुप होगा। तो भी प्लस अबेलियन ग्रुप जब होगा तो वहां पर फाइव कंडीशन तो आपको ग्रुप में पढ़े ही है। अब चलिए आगे सेकेंड क्या है ये देखिए, द स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट विच एसोसिएट्स फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू भी एंड ए बिलोंग्स टू एफ, ये यूनिक वेक्टर ए अल्फा बिलोंग्स टू भी क्या कहता है ये देखिए। ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है डॉट, जब एक्सटर्नल कंपोजिशन है तो एक एलिमेंट तो इसी का हम लोग को लेना है, इसका अल्फा, और एक एलिमेंट बाहर का लाना है, तो बाहर का कहाँ से लाएंगे, एफ से लाना है हम लोग को, तो एफ से हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं ए। तो इसका एक एलिमेंट अल्फा लेना है, इसका एक एलिमेंट ए लेना है, और दोनों को जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो किसका मेंबर होना चाहिए, भी का, और ये यूनिक वैल्यू होना चाहिए, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि द स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट विच एसोसिएट्स फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू भी, अल्फा जो है वो कोई भी, यहाँ पर हम लोग भी का मेंबर ले लेंगे, अल्फा भी का मेंबर ले लेंगे, कोई भी मेंबर ले लेना है, एंड ए बिलोंग्स टू एफ, और ए जो है वो एफ का मेंबर लेना है। तो ये जो दो एलिमेंट है, एक ए और एक अल्फा, दोनों का जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा इज ए यूनिक वेक्टर ए अल्फा बिलोंग्स टू बी। तो दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, और ये जो प्रोडक्ट आएगा वो एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए भी का, और सेटिस्फाइड, और कुछ कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ एक्सटर्नल कंपोजिशन को स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें, इसको वेक्टर एडिशन, इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है फोर कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। एक कंडीशन तो ये भी हो गया कि अगर हम लोग ए ले लेते हैं एफ का मेंबर, अल्फा ले लेते हैं भी का मेंबर, तो ए इंटू अल्फा किसका मेंबर होना चाहिए, भी का मेंबर होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये भी हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सटर्नल कंपोजिशन है, तो ये कंडीशन तो जरूर सेटिस्फाई करेगा एक्सटर्नल कंपोजिशन में, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में, तो हम लोग डेफिनेशन में ही देखे हैं। तो एक कंडीशन जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो इसको भी प्रूफ करेंगे। तो एक कंडीशन तो हो गया ये भी कि ए अगर एफ का मेंबर है, अल्फा भी का मेंबर है, तो ए इंटू अल्फा जो है वो भी का मेंबर होना चाहिए, यहाँ पर डॉट है। अब चलिए आगे देखते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन फोर कंडीशंस को और सेटिस्फाई करेगा। कौन सा फोर कंडीशंस, वन
इनटू अल्फा इक्वल टू अल्फा। वन कहाँ का मेंबर है? वन तो फील्ड का मेंबर है, फील्ड में यूनिटी एलिमेंट होता है, फील्ड जो होता है वो रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। तो ये वन फील्ड का मेंबर है, मतलब फील्ड के मेंबर को स्केलर कहते हैं और वी के मेंबर को हम लोग वेक्टर कहेंगे। तो वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा, अगर फील्ड का यूनिट एलिमेंट लेंगे और किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अल्फा के बराबर होगा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। ए होगा वी का मेंबर, सॉरी एफ का मेंबर, ए एफ का मेंबर, फील्ड का मेंबर, और अल्फा बीटा जो है वो वी का मेंबर होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है वो दो चीज़ है, एक तो फील्ड है और दूसरा है वी। तो फील्ड का जो भी एलिमेंट होगा उसको हम लोग ए बी सी वगैरह से, इसका जो भी एलिमेंट होगा उसको अल्फा बीटा गामा वगैरह से डिनोट करेंगे। तो इसको कहेंगे वेक्टर और इसको कहेंगे स्केलर। तो स्केलर को ए बी सी वगैरह से और वेक्टर को अल्फा बीटा गामा। बहुत जगह वी का जो एलिमेंट होता है यू वी डब्ल्यू वगैरह से भी डिनोट करते हैं, तो या तो अल्फा बीटा गामा लिख लीजिए या यू वी डब्ल्यू लिख लीजिए, स्केलर को ए बी सी वगैरह से या फिर के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे जब बताऊंगा तो यू वी डब्ल्यू वगैरह कभी कभी यूज करूंगा। आगे देखते हैं कौन कौन सा कंडीशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई कर रहा था। सबसे पहला था वन इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, दूसरा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, जहाँ भी ए लिखेंगे मतलब वो फील्ड का मेंबर हो गया, अल्फा बीटा लिखेंगे मतलब वो वेक्टर स्पेस बी का मेंबर हो गया। तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू एफ। अब आगे देखिए a प्लस बी इंटू अल्फा, यहाँ पर क्या था, ये दो वेक्टर का सम था और स्केलर से मल्टीप्लाई का था, यहाँ पर दो स्केलर का सम है और एक वेक्टर से मल्टीप्लाई है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब a इंटू अल्फा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा b इंटू अल्फा हो जाएगा, जहाँ पर अल्फा वेक्टर स्पेस b का मेंबर होगा और a भी f का मेंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए a इंटू बी डॉट अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए को बाहर कर सकते हैं और बी इंटू अल्फा को एक साथ लिख सकते हैं, बी इंटू अल्फा को एक साथ कर सकते हैं। क्या है, यहाँ दो स्केलर मल्टीप्लाई था तो एक स्केलर को हम लोग बाहर कर दिए और एक स्केलर को पहले अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ ए बी जो है वो एफ का मेंबर है और अल्फा बी का मेंबर है। तो कौन कौन सा कंडीशन हो गया जो देख लीजिए एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ विशेष नहीं है, बहुत ही आसान है डेफिनेशन, आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग इफ एक फील्ड ले रहे हैं जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर भी होता है फील्ड में, जिसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करते हैं, और एक वी ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग दो बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर एडिशन, इसको कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखिए इस वी में ये जो दो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में टोटल 10 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला 5 कंडीशन जो होगा वो ये होगा कि ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन होता है, वो 5 कंडीशन कौन सा, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो 5 कंडीशंस तो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है वो ए अगर हम लोग फील्ड का मेंबर लेते हैं, अल्फा अगर वी का मेंबर लेते हैं, तो ए इंटू अल्फा क्या मेंबर, किसका मेंबर होना चाहिए, वी का मेंबर होना चाहिए, ए इंटू अल्फा। तो एक कंडीशन ये हो गया। इसके अलावा 4 कंडीशन ये है कि 1 इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए इंटू अल्फा प्लस ए इंटू बीटा, और ए प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल टू ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए बी इंटू अल्फा इक्वल टू ए इंटू बी इंटू अल्फा। तो ये टोटल 10 कंडीशंस हो गया। अगर 10 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो भी को हम लोग कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, यहाँ ओवर द फील्ड एफ कहते हैं। जरा समझिए यहाँ पर कि एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर, यहाँ पर दो चीज़ें, फील्ड का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे स्केलर एंड दोज ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर, वी का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वेक्टर यहाँ पर वी के एलिमेंट को कह रहे हैं, जो आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हैं आप उससे रिलेट मत कीजिएगा, हालांकि वेक्टर जितने भी वेक्टर होते हैं स्पेस में उसका भी सेट का कलेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन अभी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो एलिमेंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी जो एलिमेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर
जो सेट बना रहे हैं उसके एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हो ये जरूरी नहीं है। तो एफ का जो एलिमेंट होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है, उसको स्केलर कहते हैं, और वी का जो एलिमेंट होता है उसको वेक्टर कहते हैं। वी से वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अब हम लोग ये सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग वी को कहते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड इज डिनोटेड बाय, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्योंकि भी अकेला वेक्टर स्पेस नहीं है, इसके साथ में बाहर का भी एलिमेंट आया। किसका एलिमेंट आया? एफ का एलिमेंट आया। तो भी और एफ को एक साथ लिखते हैं, कहते हैं कि भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। लेकिन हम लोग आगे जो है वो एफ को अंडरस्टूड कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पर भी लिखते हैं, भी इज ए वेक्टर स्पेस, एफ नहीं लिखते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो एफ जरूर होगा, कोई ना कोई तो फील्ड होगा, बिना फील्ड का तो वेक्टर स्पेस डिफाइंड होगा नहीं। तो इसीलिए आप भी एफ को वेक्टर स्पेस लिख सकते हैं ओवर द फील्ड एफ, या सिंपली हम लोग जब आगे थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ भी लिख देते हैं, वहाँ एफ जो है वो अंडरस्टूड है, एफ कोई ना कोई फील्ड होगा ही वहाँ पर, ये आपको समझ लेना है। अगर सिर्फ मैं लिख रहा हूँ कि वी इज ए वेक्टर स्पेस, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई फील्ड होगा। अब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर फील्ड का जो मेंबर होता है, फील्ड में भी जीरो एलिमेंट होता है, तो इसके जीरो को हम लोग सिंपल जीरो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक जीरो होता है, जब ये अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ पर भी जीरो होगा, तो इसके जीरो को हम लोग थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ये जीरो वेक्टर हो गया और ये जीरो स्केलर हो गया, स्केलर को सिंपल जीरो, और जो वेक्टर होता है जीरो वेक्टर, उस जीरो वेक्टर को थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे। दूसरी चीज़, जब ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, तो ग्रुप का जितना भी कंडीशन होता है, जितना भी प्रॉपर्टीज होता है, वो सारा इसमें भी सेटिस्फाई होगा। इस भी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज को, अबेलियन ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तीसरी चीज, यहाँ पर दो सिंबल है, एफ जो फील्ड है इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी में भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, तो कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल है, याद रखिएगा मैं बताया हूँ कि इसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं ए बी सी वगैरह से, इसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा से। तो जहाँ अल्फ़ा और बीटा के बीच में अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन है। अगर अल्फ़ा बीटा मतलब वेक्टर के बीच में अगर कंपोजिशन आ रहा है तो वो वेक्टर एडिशन है, और अगर स्केलर के बीच में आ रहा है तो वो हो गया फील्ड वाला कंपोजिशन। फील्ड वाला मैं यहाँ पर एडिशन जो लिख रहे हैं वो है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में एडिशन लिखा हुआ है तो ये फील्ड वाला कंपोजिशन होगा, और यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में लिखा हुआ है तो अल्फा बीटा के बीच में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर वाला कंपोजिशन हो जाएगा, मतलब वेक्टर एडिशन हो जाएगा। अब फिर उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है तो ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो सिंपली हम लोग समझेंगे कि ये फील्ड का ये मल्टीप्लीकेशन है, फील्ड का प्रोडक्ट है। और यदि यहाँ पर ए इंटू अल्फा ऐसा लिखा हुआ है, एक स्केलर और एक वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन बता रहा है, ये जो भी का एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो बता रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट है, लेकिन कौन सा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन आएगा? फील्ड वाला बाइनरी ऑपरेशन आएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं एक स्केलर और एक वेक्टर है, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी का होगा। तो दो चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहला तो जीरो एलिमेंट के बारे में जो मैं बताया हूँ कि जीरो फील्ड में भी होता है, जीरो वेक्टर में भी होता है, तो कैसे डिनोट करते हैं, दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो, तीसरा ये कंफ्यूज नहीं करना है कि वी जो है वी के एलिमेंट को हम लोग वेक्टर कह रहे हैं, तो आप ये मत समझ लीजिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी ही है, ये ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो। और चौथा चीज़ जरा ध्यान देना है कि वी जो है वो अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप में सारा ग्रुप का प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई होगा। कौन कौन सा ग्रुप का प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएगा? जैसे आप ग्रुप में पढ़े होंगे कि माइनस अल्फा में फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा हो जाता है, या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा है तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है? बीटा इक्वल टू गामा। या इसका जो जीरो एलिमेंट होता है ग्रुप का, वो जीरो एलिमेंट यूनिक होता है, यहाँ पर जीरो एलिमेंट ही है, यूनिक है। या इन्वर्स होता है, जैसे अल्फा का इन्वर्स मान लेते हैं माइनस अल्फा, एडिटिव इन्वर्स, तो इन्वर्स भी वहाँ पर यूनिक होता है। आप ग्रुप में पढ़े होंगे कि इन्वर्स जो होता है जीरो एलिमेंट होता है वो सभी यूनिक होता है, तो जीरो भी यूनिक होगा, माइनस अल्फा, अल्फा का एक ही इन्वर्स मिलेगा, माइनस अल्फा भी यूनिक होगा। तो जितना भी ग्रुप में प्रॉपर्टीज था वो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा भी प्लस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और मैं एक वेक्टर स्पेस को का एग्जांपल बता रहा हूँ, उस एग्जांपल को समझिए आगे। अब चलिए हम लोग वेक्टर स्पेस का एक एग्जांपल को देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ बाद में बताऊँगा, पहले आप ये समझिए कि एक हम लोग सेट बना रहे हैं मैट्रिक्स का। किस तरीके का मैट्रिक्स का? एम बाय एन ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स होता है उसका एक कलेक्शन ले रहे हैं, और वो मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या लेंगे? वो मैट्रिक्स का एलिमेंट रियल नंबर लेंगे, ये सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर एम बाय एन ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स बनेगा उस सारे मैट्रिक्स का हम लोग एक कलेक्शन बना लिए, ये एम कह रहे हैं। अब हम लोग दिखाएंगे कि एम इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए तो एक फील्ड की भी जरूरत पड़ता है। तो फील्ड हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर? सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो फील्ड हम लोग ले लेंगे, और ये प्रूफ करेंगे वेक्टर स्पेस है एम। अब देखिए वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए उस सेट में दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए। एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम लोग एडिशन से डिनोट करते हैं, और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। तो एडिशन होगा क्या? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो होगा यहाँ पर, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, और ये हो जाएगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो इंटरनल क्या होगा? इसमें कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। दो एलिमेंट क्या है? ये मैट्रिक्स है, क्योंकि ये तो सेट ऑफ मैट्रिसेस है। तो यहाँ पर हम लोग दो मैट्रिक्स ले लेंगे ए और बी। इसका जो दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा वो वेक्टर एडिशन होगा, सॉरी मैट्रिक्स एडिशन होगा। दो मैट्रिक्स का जो सम होता है वो यहाँ पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में लेंगे। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा कि एक तो यहाँ का एलिमेंट लेना पड़ेगा और एक यहाँ का एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रियल नंबर ले लेंगे ए, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेंगे कैपिटल ए, और दोनों के बीच में जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है मैट्रिक्स में, आप पढ़े होंगे किसी स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। हम लोग एक रियल नंबर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एम को दिखाना है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर फील्ड ऑफ रियल नंबर लेना है, उसी में यहाँ पर दिखाना है वेक्टर स्पेस। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ जो अभी समझा रहा था। क्या लिखा हुआ है कि सो दैट द सेट एम ऑफ ऑल एम बाय एन मैट्रिसेस विथ देयर एलिमेंट्स एज रियल नंबर्स। यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो सभी एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिसेस का एक सेट बना रहे हैं, और वो जो मैट्रिक्स होगा उसका एलिमेंट क्या होगा? रियल नंबर होगा। दिखाना है इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, ये वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड आर। वहाँ पर कंपोजिशन क्या होगा ऑफ ये फील्ड जो है ऑफ रियल नंबर्स है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स कह सकते हैं, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर स्पेस में दो चीज़ होता है, एक वेक्टर एडिशन होता है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। तो वेक्टर एडिशन मैट्रिक्स का सम लेंगे, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में जो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वो लेंगे। अब चलिए वेक्टर स्पेस इसको प्रूफ जब करना है तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हम लोग को टोटल 10 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। 5 कंडीशन जो है वो वेक्टर एडिशन का, और 5 कंडीशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन में कौन सा प्रॉपर्टीज होगा? वेक्टर एडिशन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है कि फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोग मैट्रिक्स में तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ मैट्रिसेस, या मैट्रिक्स एडिशन का जो प्रॉपर्टीज था सम ऑफ मैट्रिसेस वी हैव। हम लोग मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज से पहले से जानते हैं कि कोई भी अगर हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं ए और बी, अगर एम बाय एन ऑर्डर का, तो उसका जब सम करेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स ही बनेगा, मतलब एम का ही मेंबर होगा। अगर ये एम का मेंबर ले रहे हैं मतलब ये दोनों मैट्रिक्स हो गया एम बाय एन ऑर्डर का, तो उसका सम करेंगे वो भी एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो वो भी एम में होगा। अब देखिए दूसरा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर गया। हम लोग मैट्रिक्स एडिशन में हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एम। फिर ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख दीजिए, क्योंकि आप लोग 12 क्लास में तो ये सारे रिजल्ट को तो आसानी से प्रूफ किए भी होंगे, वहाँ पर पढ़े ही होंगे। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। तीन कंडीशन हो गया।
अब फोर्थ कंडीशन हम लोग जीरो मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि जीरो जो है, जीरो मैट्रिक्स, दिस इज द जीरो मैट्रिक्स ऑफ एम बाय एन ऑर्डर, ये एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन वी हैव, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स ले लेते हैं उसमें जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो भी वही मैट्रिक्स होता है, या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो भी वही मैट्रिक्स होता है। तो जीरो एलिमेंट भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एम। फिर हम लोग जानते हैं ये भी नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में कि इफ ए इक्वल टू, अगर मान लेते हैं ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं तो देन माइनस ए क्या होता है, माइनस एम जो मैट्रिक्स होता है वो माइनस ए आई जे हो जाता है, नेगेटिव एलिमेंट लेकर के मैट्रिक्स बनाते हैं। माइनस ए भी एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ये भी कैपिटल एम का ही मेंबर होगा। एंड हम लोग ये जानते हैं कि ए में अगर माइनस ए को ऐड कर दिया जाए तो भी जीरो मैट्रिक्स होगा, और माइनस ए में अगर ए को ऐड कर देते हैं तो भी जीरो मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से ये फाइव कंडीशन जो है मैट्रिक्स एडिशन का, विक्टर एडिशन का, वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक्चुअली विक्टर मैट्रिक्स एडिशन ही यहाँ पर विक्टर एडिशन का काम कर रहा है। अब फिर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग को फाइव कंडीशन दिखा देना पड़ेगा। तो कौन कौन सा कंडीशन होगा, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये नंबर मैं टू कर दे रहा हूँ। एक तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का भी फाइव प्रॉपर्टीज है, और फिर इसका विक्टर एडिशन का भी फाइव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। आप 12th क्लास में जो पढ़े होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज था। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर, वन को अगर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मैट्रिक्स हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। वन से अगर किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 3, 2, 5, 7 एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही रह जाएगा, यही मैट्रिक्स रह जाएगा। अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, 4, 10, 14, इस तरीके से ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकेंड में हम लोग को दिखाना है, यहाँ पर सेकेंड प्रॉपर्टीज लिखना है कि ए प्लस बी इन टू ही, ए और बी यहाँ पर रियल नंबर हो गया और ए जो है वो एक मैट्रिक्स है। तो ये तो मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए, जहाँ पर फॉर ऑल ए बी, ये दोनों जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर है और ए जो है वो कैपिटल एम का मेंबर है, मतलब ये मैट्रिक्स है। अब फिर एक तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग ये जानते हैं कि ए इंटू ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स यहाँ पर ए और बी है और बाहर में एक स्केलर है कोई भी रियल नंबर है, तो इसको आप दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी यहाँ पर, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर का मेंबर होगा ये, एंड ए जो है ए और बी ये मैट्रिक्स, सेट ऑफ मैट्रिक्स का मेंबर हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा, फोर्थ कंडीशन होगा यहाँ पर ए इंटू बी इंटू, अगर ए है, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको ए में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा कर सकते हैं ए इंटू बी इंटू ए लिख सकते हैं, जहां पर ए बी ये रियल नंबर हो जाएगा और ए जो है वो मैट्रिक्स एम का मेंबर हो जाएगा। एक और क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देना पड़ेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, इसको नंबर वन, इसको नंबर टू, इसको नंबर थ्री, इसको नंबर मैं फोर कर देता हूँ, इसको नंबर फाइव कर देता हूँ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ए अगर रियल नंबर ले लेते हैं और ए अगर मैट्रिक्स एम का मेंबर ले लेते हैं, तो इम्प्लाइज इफ ए अगर रियल नंबर ले रहे हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक मैट्रिक्स ही होगा और उसी ऑर्डर का मिलेगा, तो ये भी एम का मेंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 10 कंडीशन, ये 5 कंडीशन यहाँ हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, 5 कंडीशन ये विक्टर एडिशन का हो गया, तो टोटल 10 कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एम आर इज ए विक्टर स्पेस, इज ए विक्टर स्पेस, ये एक विक्टर स्पेस हो गया। और यहाँ पर कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई, कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन में आपका विक्टर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन है, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर।
तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल या वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।